हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्या कैरियर एकेडमी। आज हम लोग 12 मार्च 2018 का करेंट अफेयर डिस्कस करेंगे और इसके पहले 10 और 11 का हम वीडियो डाल चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर वापस उसको देख सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग आज 12 मार्च का डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला है कि सुरेश प्रभु जो कॉमर्स और इंडस्ट्रियल मिनिस्टर हैं सुरेश प्रभु, उनको एक एडिशनल चार्ज भी दिया गया है, वो है सिविल एविएशन मिनिस्टर का। और ऐसा ये क्यों हुआ है, क्योंकि TDP के दो मेंबर थे, जो जिसमें से एक अशोक गजापति राजू जो सिविल एविएशन मिनिस्टर थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया है, तो वो चार्ज जो है वो सुरेश प्रभु को दिया गया है। तो अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि सिविल एविएशन मिनिस्टर कौन है, तो सुरेश प्रभु। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोदी माइक्रोन इनोग्रेटेड उत्तर प्रदेश बिगेस्ट सोलर पावर प्लांट। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल माइक्रोन जो है वो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन किए हैं। और ये है कहाँ किए, कहाँ पर है, मिर्ज़ापुर में किए हैं, ठीक है। और ये विलेज है दादर कलन विलेज, दादर कलन विलेज जो है मिर्ज़ापुर में, मिर्ज़ापुर के अंदर है दादर कलन विलेज, यहीं पर ये प्लांट बैठाया गया है। और ये कितने मेगावाट का है, तो 75 मेगावाट का सोलर प्लांट बैठाया गया है। तो ये हो सकता है, क्वेश्चन आ सकता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट कौन है, तो आपको ये इसका माइक्रोन आंसर पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बेस्ट एग्जीबिटर अवार्ड जो है ये इंडिया को मिला है इस साल। और ये बेस्ट एग्जीबिटर अवार्ड जो है ये कहाँ पर हुआ, बर्लिन में हुआ। और ये कब से हो रहा था, ठीक है, ये मार्च 7 से 10 मार्च तक हुआ है जर्मनी में, ठीक है। और ये इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव कौन थे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो हैं टूरिज्म के लिए KJ अल्फोन, वही इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे इंडिया की तरफ से। तो ये भी एक क्वेश्चन हो गया कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज फॉर टूरिज्म कौन है, तो KJ अल्फोन है, ठीक है। इस एग्जीबिटर्स में 100 कंट्री पार्टिसिपेट किया है, जिसमें भारत को बेस्ट टूरिज्म के लिए मिला है, ठीक है। देखिए, इंडिया में नभल एक्सरसाइज तो बहुत हुआ है, मगर पहली बार मल्टीनेशनल नभल एक्सरसाइज हुआ है। तो ये मल्टी नभल एक्सरसाइज हुआ कहाँ है, तो अंडमान में हुआ है, ठीक है। और ये नाम क्या है इस एक्सरसाइज का, MILS-18 नाम है, ठीक है। और इसमें कितने कंट्री पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 8 कंट्री पार्टिसिपेट कर रहे हैं, टोटल 11 नबल शिप है 8 कंट्री का, और 9 इंडियन शिप है जो पार्टिसिपेट कर रही है। कितना दिन का एक्सरसाइज है, 3 दिन का एक्सरसाइज है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पहली बार मल्टीनेशनल नबल एक्सरसाइज इंडिया में हो रहा है और उसका नाम है MILS-18। देखिए, अभी फिलहाल पंजाब नेशनल बैंक का स्कैम आप सुने होंगे, ठीक है, नीरव मोदी का। उसके चलते मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एक डिसीजन लिया है कि जो भी व्यक्ति 50 करोड़ से एबव लोन लेता है, उसको पासपोर्ट बनवाना मैंडेटरी हो जाएगा, क्योंकि इससे थोड़ा सा प्रोसीजर को टाइट करने के लिए ये कदम उठाया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, किसी भी कंट्री में प्रेसिडेंटियल इलेक्शन जो होता है, किसी कंट्री में लिमिट होता है कि कोई भी व्यक्ति एक या दो बार बन सकता है, या फिर किसी में होता है कि जब तक उसको बहुमत मिल रहा है तब तक वो प्रेसिडेंट बन सकता है। जैसे इंडिया में कोई लिमिट नहीं है, आप कितना बार भी प्रेसिडेंट बन सकते हैं, वहीं USA में सिर्फ 2 बार बन सकते हैं, ठीक है। तो चाइना में पहले लिमिट था, और अब इसको अमेंडमेंट करके इस लिमिट को हटा दिया गया है, ठीक है। तो इसमें जीपिंग जो है वो चाइना के प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, और ये जो लिमिट था उसको हटा दिया गया है। और इनके फेवर में कितने वोट आए थे, हटाने के फेवर में 2958 और अगेंस्ट में 23 एब्स्टिनेशन आए थे, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और ध्यान देना है कि इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एशिया में कौन सा ऐसा कंट्री बना है जिसमें प्रेसिडेंट के टर्म लिमिट को हटा दिया गया है, तो उसका आंसर हो जाएगा चाइना। और चाइना का भी प्रेसिडेंट कौन है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए, एग्जाई जीपिंग, ठीक है। देखिए, एक सोलर एनर्जी को प्रमोट करने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक और इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है, ये दोनों मिलकर एक साइन पैक्ट किए हैं सोलर पावर को, मतलब कि सोलर एनर्जी को प्रमोट करने के लिए। और ये डेवलपमेंट जो होगा वो एशिया में होगा और पैसिफिक में होगा, ठीक है। तो ये आपको पता होना कि ये दोनों के बीच में एक MOU साइन हुआ है। देखिए, स्पोर्ट्स से देखिए, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो 27 सुल्तान
अजलान शाह कप था वो ऑस्ट्रेलिया जीत गया है, और ये वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया जो है ये किसको हरा कर जीता है, तो ये इंग्लैंड को हरा कर जीता। इसके पहले इंग्लैंड था, अब उसको हरा के अब ऑस्ट्रेलिया नया चैंपियन बना है। और ये हुआ कहाँ पर था, मलेशिया में, और इंग्लैंड को कितना से हराया, 2-1 से मार्जिन से हराया है। और एक बात और कि ऑस्ट्रेलिया इस जो टूर्नामेंट का टाइटल है वो 10 बार जीत चुका है। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।